हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल AS बर्ड केयर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने पालक पड़ा है। पालक एक ग्रीन फूड में आता है और बच्चे ग्रीन कलर देख के अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उधर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, दो तीन बर्ड आके वहीं फैल गए हैं। देखिए, ये हमारा छोटा सा केज, इसमें लगभग 15 जैसे बजरी है इसमें। हाँ, 12 से 15 बजी है इसके अंदर। और सबके सब पट्टे नहीं हैं, कुछ पट्टे हैं, कुछ अडल्ट है। ये हमारे एक आखिरी पैर का जो एग ले कर दिया था उसने, इसलिए उसको अलग रखा हुआ है, नहीं तो इसको भी हम अंडे ही कर देते। एक वही पैर है जिसने ज़्यादा अंडे दिए हैं। सबसे अच्छी ब्रीड इसी पैर ने की है। देख सकते हैं फीमेल अंदर है अभी। बाकी इसमें लगभग 12 एक पट्टे हैं और बाकी नहीं 10 के आसपास पट्टे हैं और दो पैर हैं। बात करते हैं वापस, हम ग्रीन फूड के ऊपर आते हैं। हर बर्ड के लिए ग्रीन फूड बहुत ही ज़रूरी होता है। ग्रीन फूड में वीक में एक से दो बार देता हूँ। पालक है, धनिया है। पालक और धनिया आप दोनों मिक्स करके भी दे सकते हैं। ग्रीन फूड देखते ही ये दोनों ही आ जाते हैं पास खाने के उसको। और ग्रीन फूड काफ़ी ज़रूरी भी होता है। कैल्शियम होता है पालक के अंदर। पालक में अंदर भी इनको कैल्शियम इनको अच्छा खासा मिल रहता है, भरपूर मिल जाता है। और देना ज़रूरी भी है, क्योंकि पालक ही नहीं, बाकी धनिया है, मेथी है, बथुआ है, और कभी कभी भीगे हुए गेहूँ होते हैं, चावल। तो हम इनको हफ्ते में 2 से 3 बार को चावल देते हैं, बाद में भीगे हुए गेहूँ भी देते हैं। आज इनका ग्रीन फूड का दिन है। चलिए इनको देखते हैं, देते हैं और फिर आपको बताते हैं। देख सकते हैं आप, ग्रीन फूड डालते ही 2 बजीज आ चुके हैं। तीसरा आया, ये तीनों के दिन अडल्ट हैं, फुल अडल्ट हैं। अब देख सकते हैं ग्रीन फूड देखते ही ये रोक नहीं पाता। हालांकि मुझे थोड़ा देर हो गई है, बाकी ये लोग खाना वाना चालू कर दिया था इन्होंने, दाना। और बाद में अभी नज़दीक हूँ इसलिए ज़्यादा आ नहीं रहे। ये पट्टा है, एसी जोड़ का पट्टा है, दोनों जोड़ी है, ग्रीन और फिरोजी, उसका उसी का पट्टा था ये। एक और फीमेल है अडल्ट, ये येलो दूसरी। सुबह सुबह ये लोग कोई भी ग्रीन फूड दो या कोई भी सॉफ्ट फूड दो, आप इंजॉय कर खाते हैं। और रात भर के भूखे होते हैं और कुछ अलग चीज़ दिखने। और ग्रीन फूड हम इनको हफ्ते में एक ही बार देते हैं। एक दिन धनिया देते हैं और एक दिन पालक देते हैं, मतलब हफ्ते में एक से दो बार हम देते हैं इनको। और इसीलिए वो आके थोड़ा सी इसमें खाने में मशहूल हो जाते हैं। ये फीमेल है, इसको इंजॉय कर रही है। देखो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं खाते खाते। ये देखो, हमने ऊपर की बर्ड, ऊपर की जोड़ी है उसको भी दे दिया था। वही फीमेल बाहर आ चुकी है मटकी से। गर्मी पड़ रही है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, इसलिए वो अंडों पर बैठ रही है, अच्छा है। और इनको ज़्यादा हम सॉफ्ट फूड देंगे नहीं, क्योंकि ये अंडे पे हैं। अगर हम इनको ज़्यादा सॉफ्ट फूड वगैरह देंगे तो इनकी चर्बी लग जाएगी इसको, फीमेल को। इसलिए हमको ज़्यादा सॉफ्ट फूड देते नहीं है, कम ही देते हैं। नॉर्मल दाने पर ही रखा हुआ है। जब बच्चे होंगे उसके बाद हम इनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ज़्यादातर सभी आ चुके हैं खाने के लिए। दूर से दिखाते हैं, नज़दीक है इसलिए कोई आ नहीं रहा है। देख सकते हैं आप, अब धीरे धीरे मेरे दूर जाने के बाद धीरे धीरे सब उतर के आ रहे हैं। देखिए आप, धूप अच्छी खासी आ रही है, आप देख सकते हैं। ज़्यादातर सभी 25 आ चुके हैं खाने के लिए और धूप अच्छी खासी। सुबह में तो पूरा धूप से भरा होता है पिंजरा, इसलिए मैंने ऊपर उसको कपड़ा, ग्रीन कलर का कपड़ा ढका हुआ था पर मटकी के पास। तो यही होता है अगर आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो, एंजॉय करके खाते हैं बज्जीज। और ये देखिए, फीमेल वापस अंदर चली गई है, मेल खा रहा है। तो इसी तरह हम हर रोज़ अपने बज्जीज पैर को अलग अलग तरह का सॉफ्ट फूड देते हैं। जैसे आज ग्रीन फूड दिया है, इसको पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सब इंजॉय करके खा रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर किसी अलग टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।